मैं किरण सिंह 9th के लिए हिस्ट्री लेकर आई हूँ। ये पार्ट वन है हमारा, जो तीसरा चैप्टर है हमारा, ये नाथसीवाद और हिटलर का उदय। इसके पहले मैं आपको दो लेसन पढ़ा चुकी हूँ, तीसरा लेसन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसका परिचय, यानी नाथसीवाद क्या था और हिटलर का उदय किस प्रकार से हुआ है, उसकी परिस्थितियाँ किस प्रकार से बनी, ये हम इस पाठ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ की सामान्य, मतलब हिटलर के उदय से पहले की जानकारी प्राप्त करेंगे कि हिटलर के उदय का मेन कारण क्या था। तो यहाँ पे दिया है, देखिए 1945 के वसंत में, अब 1945 के वसंत में, यानी ये हिटलर के उदय के बाद की स्थिति है। तो वसंत में हेलमुट नामक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसे अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी। यानी एक कहानी के माध्यम से इन्होंने एक पाठ की शुरुआत की है। उसमें उसके पिता कह रहे थे कि मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया। इस कारण वे कहते हैं कि उन्हें अपने पूरे दिन पूरे परिवार को मार देना चाहिए या स्वयं अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हेलमुट के पिता जाने माने चिकित्सक थे। अगले दिन हेलमुट तथा उसके पिता घूमने गए। आखिर ये सब परिस्थितियां, जो कुछ भी हेलमुट के पिता बोल रहे थे, तो क्यों बोल रहे थे कि अचानक उन्हें ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गई कि उन्हें आत्महत्या की सोचनी पड़ी, यानी अपने परिवार को भी लेकर मरने की सोचनी पड़ी। ये यहूदी कौन थे, देखिए अपाहिज और यहूदियों के साथ उन्होंने क्यों ऐसा बर्ताव किया था, ये सब पाठ के बारे में, ये सब हम अपने पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके कुछ समय बाद उन्होंने अपने दफ्तर में स्वयं को गोली मार ली, यानी हेलमुट के जो पिता थे उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। इससे उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ। हेलमुट को उस वक्त कुछ समझ में ना आया, भाई छोटा सा बच्चा है, उसको उसके पिता के द्वारा आत्महत्या करने की बात उसे समझ में नहीं आई कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, क्या कारण था। वैसे भी एक छोटा अबोध बच्चा ये नहीं जान सकता है कि किस प्रकार से कैसी परिस्थितियां होंगी कि ये डिसीजन उसके पिता को लेनी पड़ी। लेकिन हकीकत यह थी कि उसके पिता नाथसी थे, आया फिर से नाथसीवाद, यानी लेसन का हमारा शुरुआत हो चुका। वे एडोल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने को कटिबद्ध था। वह पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। उसने यहूदियों को मरवाया। ये यहूदी को क्या थे, हम लोग आगे वाले लेसन में जानेंगे, आगे पार्ट में जानेंगे। नाथसीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है, यह दुनिया और राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की पूरी संरचना का नाम है। यानी कहने की बात ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी की से शुरुआत हुई थी, ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं होगी। मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्र, ध्यान दीजिएगा मित्र राष्ट्र, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में उसमें अमेरिका शामिल हुआ था, अमेरिका के सामने समर्पण, नहीं, ब्रिटेन फ्रांस तो थे मित्र राष्ट्र, लेकिन बाद में सोवियत संघ और अमेरिका इसमें शामिल हुआ था। जब वो अमेरिका इसमें शामिल हुआ तभी जर्मनी को घुटना टेकना पड़ा के सामने समर्थन। हिटलर को इस लड़ाई के हस्त के बारे में अंदाजा हो चुका था। हिटलर और उसके प्रचार मंत्री गेबेल्स ने बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में ही आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेम्बर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधी, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाथसी यहूदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा गया। युद्ध के दौरान जर्मनी का किया गया अमानवीय कृत्य की दुनिया भर में निंदा की गई। यानी अंतरराष्ट्रीय सैनिक, आपको याद होगा इसके पहले मैंने एक लेसन चैप्टर पढ़ाया था, उसमें अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया था जिसमें सारे विश्व के लोगों का समस्या, शांति समझौता जो होता था वो होता था, उसमें बताया था, उसमें 5 देश मेन रहते थे, या अगर याद हो कि ये वही अंतरराष्ट्रीय संगठन है। दूसरे विश्व युद्ध के साय में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। ये जो खास नस्ल बोला जा रहा है, ये यही यहूदी थे।
इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिक भी मार डाले गए। इनके अलावा न जाने कितने ही राजनीतिक विरोधियों को भी मौत की नींद सुला दिया गया। यानी फिर से वही बात की तख्ता पलट जब होता है, यानी एक सैनिक तख्ता पलट जो कहता था जब होता है तो उसे बहुत सारे लोगों को, राजनीतिक तख्ता पलट में बहुत सारे लोगों को मारना पड़ता है। जो उनके खिलाफ नहीं रहते उन्हें साम दाम दंड भेद के जरिए अपने पास मिलाना, यदि वो न माने, इन सब के जरिए वो अपने उनके राजनीतिक दल में न आए तो उन्हें मार देना एक सबसे बड़ा विकल्प था जो यहाँ पर हमने देख रहे हैं। लेकिन इसके रूप में ये ना, ये जो खास नस्ले के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा, जो यहूदी को मारा जाने की बात कही गई है, ये राजनीतिक दल के नहीं थे। ये ऐसे मतलब वो हिटलर जो था अपने आप को सर्वोत्तम खून वाला मानता था और यहूदियों को नीची खून का मानता था, तो इसी नीची खून के लोगों को वो मारने के लिए इस प्रकार का करने लगा था। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए औशवित जैसे बनाए गए हैं, जहां जहरीले गैस, यानी एक जगह थी उस जगह पर एक जहरीली गैस से चैम्बर बनाया गया जहां एक साथ हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरेम्बर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाक्सियों को ही मौत की सजा दी, बाकियों को उम्र कैद की सजा तो उन्हें मिली परंतु उनके जुर्मों के मुकाबले सजा छोटी थी। मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह पहले विश्व युद्ध के बाद थोपा गया था। यानी इसी संधि में वर्षाय संधि थोपी गई थी जो मैं आपको वाइमर गणराज्य के उसमें पढ़ाऊंगी। उनके जुल्मों के मुकाबले सजा छोटी थी। मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह पहले विश्व युद्ध के बाद थोपा गया। बहुत सारे लोगों का मामला मानना था कि पहले विश्व युद्ध में जो सजा जर्मनी को दी गई थी उसी के कारण नाक्सी जर्मनी का उदय हुआ। यानी पहले विश्व युद्ध के दौरान जब वर्षाय संधि की गई थी जो की जर्मनी के लिए अपमानजनक संधि मानी जाती है, उस संधि के मद्देनजर ही यानी नाक्सी जर्मनी का उदय माना जाता है। इसके बाद एक पॉइंट है वाइमर गणराज्य का जन्म जो कि मैं किताब के माध्यम से पढ़ाऊंगी, वो दोनों के यानी उस पैराग्राफ के और इसके क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहा है। पहला विश्व युद्ध किन किन देशों के बीच लड़ा गया, दूसरा मित्र राष्ट्र के देशों के नाम बताइए, तीसरा वर्षाय संधि में जर्मनी को अपने देश का कौन कौन सा उत्पादन देना पड़ा। तीसरा चैप्टर आपको नाक्सीवाद और हिटलर का उदय, ये शुरुआत आपको परिचय बता दिया है। अब इसमें क्योंकि यहाँ पर एक नक्शा दिया है उसके लिए मुझे बुक की सहायता लेनी पड़ रही है, तो यहाँ पर देखिए नाक्सी शब्द, थोड़ा सा नाक्सी शब्द का मतलब देख लीजिए। नाक्सी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नाक्सी योणाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाक्सी योणाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नाक्सी कहा जाता था। ये नाक्सी का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर शुरू होता है वाइमर गणराज्य का जन्म। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। उसने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएगी। यानी जब ये युद्ध पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था तो दुनिया की जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी यानी बड़े बड़े देश थे, वो ये सोचकर इसमें शामिल हो गए थे कि इसके कारण हम लोगों को जल्दी विजय प्राप्त होगी और उपनिवेश राज्य मतलब बनाकर वहां पर हम लोग अपना औद्योगिक स्थापित करेंगे। लेकिन ठीक उसके विपरीत ये काफी लंबा समय तक चलने वाला युद्ध हुआ। सभी को किसी न किसी फायदे की उम्मीद थी, उन्हें अंदाजा नहीं था कि युद्ध इतना लंबा खींच जाएगा, पूरे यूरोप को आर्थिक दृष्टि से निचोड़ कर रख देगा। फ्रांस और बेल्जियम पर कब्जा करके जर्मनी ने शुरुआत में सफलताएं हासिल की, लेकिन 1917 में जब अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों में शामिल हो गया तो इस खेमे को काफी ताकत मिली और आखिरकार नवंबर 1918 में उन्होंने केंद्रीय शक्ति को हराने के बाद जर्मनी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। साम्राज्यवादी जर्मनी यानी जो कि अत्यधिक मात्रा में साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं उसे साम्राज्यवादी जर्मनी, साम्राज्यवाद कहा जाता है। जर्मनी की पराजय और सम्राट के पद त्यागने वहां की संसदीय पार्टियों को जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसी सिलसिले में वाइमर में एक राष्ट्रीय सभा की बैठक बुलाई और संघीय
आधार पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया, यानी यहाँ पर सम्राट के पद त्याग के बाद यहाँ पर एक लोकतांत्रिक संविधान पारित कर दिया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी जर्मन संसद को यहाँ पर क्या कहा जाता था कि राइकस्टांग, ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द राइकस्टांग के लिए जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। यानी जब किसी भी देश को जब लोकतांत्रिक बनाया जाता है तो उसमें लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा वहाँ पर सरकार चुनी जाती है। यहाँ पर संसद को राइकस्टांग कहा जाता था। ये काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको ध्यान में रख लेना। प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए औरतों सहित सभी वयस्क नागरिकों को समान और सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान किया गया। यानी यहाँ पर सार्वभौमिक मताधिकार का यहाँ पर प्रचलन था। इसके पहले हमने देखा था फ्रांस और रूस में ऐसे व्यक्तियों को ही मताधिकार दिया जाता था जो कि जिनके पास संपत्ति हो, लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। यानी उन्हें एक तरह से कहा जाए तो सम्राट के द्वारा जो उन्होंने लोकतांत्रिक शासन चलाया था वो उन्हें ज्यादा पसंद था, ये लोकतांत्रिक संविधान के तुलना में। लेकिन यह गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रहा था। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, यहाँ पर देखिए इसका नक्शा बताया गया है जर्मनी का, कि किस तरह से जर्मनी पूरी तरह से घिरा हुआ है। यानी इधर डेनमार्क है, उत्तरी स्लेस्विंग है, यहाँ बेल्जियम है, फ्रांस है, सारलैंड, एल्सेस, लोरेन, राइनलैंड, अपर सिलेसिया, पोलैंड, पोशन, पश्चिम प्रसा, पूर्वी प्रसा जर्मनी का भाग। यहाँ पे देखिए ये जर्मनी का कुछ हिस्सा, यहाँ पर लिथुआनिया यहाँ पर दिया गया है, ये जर्मनी का काफी हिस्सा आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और किस प्रकार से देखिए जर्मनी फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड से घिरा हुआ है। अब इसकी यानी यहाँ पर थोड़ा सा फिर देखते हैं, रिपीट करते हैं, लेकिन यह नया गणराज्य खुद जर्मनी के ही बहुत सारे लोगों को रास नहीं आ रही थी। यानी सम्राट का जो राजतंत्र था उन्हें एक तरह से तो पसंद था इसकी तुलना में लोकतांत्रिक संविधान की तुलना में। इसकी एक वजह तो यही थी कि पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद विजयी देशों ने उस पर बहुत कठोर शर्तें थोप दी थी। इसका मैंने क्वेश्चन आपको पहले वीडियो में बताया है, ये पार्ट टू है हम लोगों का। मित्र राष्ट्रों के साथ वर्साय में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। देखिए वर्साय संधि मैंने आपसे बताया था, अब इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने सारे उपनिवेश, तकरीबन 10% आबादी, 13% भूभाग, 75% लोह भंडार और 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले करने पड़े। जर्मनी की रही सही ताकत खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राष्ट्र विजयी होता है वो हारे हुए पर अपने कुछ शर्तें लागू करता है, जिसमें से एक वर्साय संधि थी। इतने भूभागों को यानी इतने जो औद्योगिक क्षेत्र थे उन्हें जीती हुई देशों को देना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने वहां की सेना को भंग कर दिया, जर्मनी की सेना को, ताकि वो आगे आने वाले में इस प्रकार के ऐसे विश्व युद्ध के लिए किसी भी प्रकार का कोई पहल न कर पाए। इसके अलावा भी इन्होंने एक काम किया था, देखिए यहाँ पे बताया, युद्ध अपराध बोध अनुच्छेद वार गिल्ट कॉस्ट के तहत युद्ध के कारण हुई सारी तबाही के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया। इसके एवज में उस पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया। एक तो पहली बात, यहाँ पर पूरी तरह से उसके सारे औद्योगिक क्षेत्र ले लिए गए और उसके बाद 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाने की वजह से जर्मनी को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया गया। खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी 20 के दशक में ज्यादातर मित्र राष्ट्रों का ही कब्जा रहा, यानी उसके सारे उत्पादन वाले क्षेत्रों पर अब मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो चुका था। बहुत सारे जर्मनों ने न केवल इस हार के लिए बल्कि वर्साय में हुए इस अपमान के लिए भी वाइमर गणराज्य को ही जिम्मेदार ठहराया। यानी वाइमर गणराज्य वही लोकतांत्रिक संविधान, यानी इस प्रकार का अगर वहाँ पर राजा का शासन होता तो इस प्रकार का कोई कार्यवाही मित्र राष्ट्रों के द्वारा नहीं की जाती। इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग वाइमर गणराज्य को ही इसका जिम्मेदार मानते थे। नाक्सीवाद का परिचय दिया है, फिर उसके बाद की स्थिति यानी वाइमर गणराज्य का उदय किस प्रकार से हुआ था ये बताया है। अब तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का जर्मनी के सामाजिक स्थिति क्या पड़ी। यहाँ पर देखिए
इस युद्ध ने पूरे महाद्वीप को मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़कर रख दिया। यानी वर्साय जैसी अपमानजनक संधि ने उन्हें मानसिक तौर पर तोड़कर रख दिया था, लेकिन साथ ही साथ उसे आर्थिक दृष्टि से पंगु भी बना दिया था। यानी उसके औद्योगिक क्षेत्र पर पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया था और 6 लाख अरब पौंड ने उनकी कमर भी, जर्मनी की कमर भी तोड़ दी। यूरोप कल तक कर्ज देने वाले महाद्वीप कहलाता था, जो खुद युद्ध खत्म होते होते कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अब फिर से वही बात कि इतनी, यानी 6 लाख अरब पौंड कोई कम पैसा तो है नहीं। अब इतनी बड़ी उनके औद्योगिक क्षेत्रों पर भी मित्र राष्ट्र का कब्जा था, वो इतनी बड़ी रकम को किस प्रकार से चुकाए, ये कर्ज लेकर नहीं ले सकता था। तो उसने यही किया, यानी पहले जो महाद्वीप जर्मनी जैसा द्वीप दूसरे देशों को कर्ज देता था, अब स्वयं भी स्वयं कर्ज लेकर उस कर्ज मतलब उस 6 अरब पौंड को चुकाने के लिए कर्ज लेने लगा। विडंबना यह थी कि पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना शब्द यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई करना, ये होता है हर्जाना का शब्दावली। हर्जाना नवजात पाइमन गणराज्य से वसूल किया जा रहा था, यानी पुराने साम्राज्य द्वारा, यानी क्या कहा जाए, राज्य तंत्र के द्वारा किए गए कार्यवाही का, जो वाइमन गणराज्य का जो उदय हुआ था अभी तुरंत ही, यानी अभी वो लोकतांत्रिक शासन के पहले कदम पर पहुंचा था, तभी उसे इतने बड़े बड़े कर्ज का बोझ उठाना पड़ा। नवजात ही था, पैदा ही हुआ था ये वो, उसका तभी उसे इन स्थिति का सामना करना पड़ा। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वो अपंग हो चुका था। वाइमन गणराज्य के हिमायतियों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथलिक और डेमोक्रेट खेमे, यानी ध्यान दीजिएगा, समाजवादी कैथलिक और डेमोक्रेट, इसे क्या का खेमे के लोग थे, यानी रूढ़िवादी पुरातनपंथी जिसे कहा जाता है, यानी इसके पहले भी हमने रूढ़िवादी के बारे में पढ़ा है, यानी चली आ रही परंपरा को निभाने वाले, इसके एक ये 3-4 भागों में इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बन गई थी। पुरातन पंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। यानी वर्साय संधि जो हुई थी या मित्र राष्ट्र के द्वारा उन पर जो भी हर्जाना लगाया गया, ये बात ये लोकतांत्रिक सरकार को एक तरह से, यानी वाइमन गणराज्य को उन्हें चिढ़ाया जाने लगा कि उनके आने पर इस प्रकार का जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। इस मनोदशा का 30 के दशक में शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम का गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। यानी फिर से वही बात कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में जिस तरह से मित्र राष्ट्रों का सामना किया था, एक बार तो उसने फ्रांस जैसे के कुछ राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था, पोलैंड को जीत लिया था। यानी इतने बड़े छोटे सा देश होने के बाद इतने बड़े राज्यों को अपने से मिला लेना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन अगर उसमें अमेरिका जैसे महाशक्ति मित्र राष्ट्र में शामिल ना होता तो प्रथम विश्व युद्ध का जो निर्णय होगा शायद उसके विपरीत होता। राजनेता प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। मीडिया में खतंकों को की जिंदगी का महिमा मंडन किया जा रहा था, यानी खदंकों को, यानी जहाँ पर सैनिक अपना जीवन निर्वाह करते थे। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों को छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को खंदक कहा जाता था, एक शब्द है ये भी। वे लाशों को खाने वाले चूहों से घिरे रहते थे, यानी उनकी सैनिकों की स्थिति के बारे में बता रहा है कि वे अपने राष्ट्र को बचाने के लिए, अपने राष्ट्र में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह से अपना जीवन अपने देश के लिए कुर्बान कर रहे थे। वे जहरीली गैस और दुश्मनों की गोलाबारी का बहादुरी से सामना करते हुए भी अपने साथियों को पल पल मरते देखते थे। सार्वजनिक जीवन आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा की चाह का सामना बाकी सारी चीजें गौण हो गई थी।
यानी राष्ट्रीय सम्मान और प्रतिष्ठा के सामने उनके लिए सारी चीजें सब एक, यानी उनकी अपनी स्वयं की जान भी राष्ट्र के आन बान शान के सामने उन लोगों ने उसे तुच्छ समझा। जबकि हाल ही में सत्ता में आए रूढ़िवादी तानाशाहों को व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। फिर से एक बार रूढ़िवादी, मैंने इसके पहले आपको पढ़ाया है, रूढ़िवादी यानी ये लोग पुरानी परंपराओं से चली आ रही मान्यताओं को मानने के इच्छुक रहते थे। और यहाँ पर जब वाइमन गणराज्य का उदय हुआ था तो तभी प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी हार गई थी। तो यानी एक नए गणराज्य की शासन व्यवस्था के कारण उन लोगों का मानना ये हो गया था कि इसका नया उदय हुआ गणराज्य, जर्मनी एक गणराज्य बना इस वजह से जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। इसीलिए ये जो रूढ़िवादी लोग थे वे राजतंत्र के द्वारा जो शासन चलाया जाता था उसे मान्यता देने, यानी जो पुरानी परंपराओं से चली आ रही रीति रिवाज थे उसे ही फॉलो करने पर विशेष जोर देते थे। वे समर्थक तो थे, मतलब जो प्रगति हो रही है उसके समर्थक तो थे, लेकिन ये जो प्रगति का विकास दर है वो कम हो, धीमे हो, तेजी गति से न हो। जड़ समर्थन मिलने लगा। उस वक्त लोकतंत्र एक नया और बहुत नाजुक विचार था जो दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। यहीं पर हमारा ये युद्ध का पहला पॉइंट खत्म हो रहा है। इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है, जर्मनी पर युद्ध का क्या असर हुआ, ये आपको मैंने इसमें पूरा पढ़ा दिया है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और लिख लीजिएगा। दूसरा, हरजाना और खंडक शब्द का क्या अर्थ है, ये भी बताया आपको, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तीसरा, खंडकों में सैनिक किस प्रकार से जीवन बिता रहे थे, ये भी बताया गया है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। ये है राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। वाइमन गणराज्य के स्थापना के समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिस्ट लीग अपने क्रांतिकारी योजनाओं को अंजाम देने लगी। हमने इसके पहले रूस के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें बोल्शेविक और मेंशेविक करके दो पार्टियां थी, तो उसी के तर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टिस्ट लीग की मतलब संगठन बनने लगा, जिसके आधार पर क्रांतिकारी योजनाएं बनाई जाने लगी। मजदूरों और नाविकों की भी सोवियत संगठन बनाई जाने लगी। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में सोवियत किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज उठे। समाजवादी डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला किया। यानी इसके पहले मैंने तीन पार्टियों के बारे में आपको बताया था, एक रूढ़िवादी भी थी, तो इसमें समाजवादी डेमोक्रेट्स और कैथलिक गुटों ने वाइमर गणराज्य यानी लोकतांत्रिक को बनाने के लिए विशेष प्रावधान बनाने का फैसला किया। फ्री कोर, ये इम्पोर्टेंट है काफी नाम, हाँ, तो फ्री कोर नामक सैनिक संगठन की मदद से, यानी फ्री कोर नामक सैनिक संगठन की मदद से ये समाजवादी डेमोक्रेट्स और कैथोलिक ने जो लोग क्रांतिकारी शुरुआत की थी, क्रांति शुरुआत की थी, फ्री कोर नामक सैनिक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया गया। स्पार्टिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। स्पार्टिस्ट वही थे जो जिस प्रकार से रूस में बोल्शेविक थे, ठीक उसी प्रकार से जर्मनी में स्पार्टिस्ट थे। कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए थे और इसी की वजह से हिटलर के खिलाफ साझा मोर्चा न खोल सके। जब दोनों एक दूसरे से लड़ाई, यानी स्पार्टिस्ट और कम्युनिस्ट एक दूसरे से हमेशा समाजवादी एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, इस वजह से हिटलर के खिलाफ, यानी हिटलर एक अकेली संस्था, एक अकेली पार्टी बन गई। उसके विरोध में अन्य कोई पार्टी खड़ी नहीं हो पाई। जो पार्टी थी भी तो वो आपस में ही उन लोगों में मतभेद था, जिसकी वजह से हिटलर एक तानाशाह के रूप में उभर कर आया। राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से बल मिला। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। यानी उन्होंने पहला विश्व युद्ध जो भी लड़ा था उसमें शुरुआती में अपनी विजय भी हासिल की थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने कर्ज लेकर ही इस युद्ध को लड़ा था। और जब वो हार गया
यानी रूस मित्र देश से जब वो हार गया तो उसे हजाने के तौर पर 6 लाख अरब पाउंड भी चुकाने पड़े, जो कि स्वर्ण मुद्रा में वो हजाना देना पड़ा था। इस दोहरे यानी पहला विश्व युद्ध का मोटे तौर पर कर्ज लेना और दूसरा हर्जाना भरना, इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होते गए। 1923 में कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। इन सब स्थितियों के कारण जर्मनी ने 1923 में कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप रूर पर औद्योगिक इलाका फ्रांस का कब्जा हो गया। फलस्वरूप रूर पर औद्योगिक इलाका फ्रांस का कब्जा हो गया। रूर विशाल कोयला भंडार वाला इलाका था। यानी इसके परिणाम स्वरूप जब उसने जर्मनी ने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया तो फ्रांस ने क्या किया, उसके एक औद्योगिक क्षेत्र जो कि कोयला उत्पादन क्षेत्र था उसने उस पर कब्जा कर लिया, जो कि जर्मनी की आर्थिक दृष्टि में एक सेंध का काम किया। जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। अब उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी ने एक बहुत ही बड़ी गलती की, जिसका परिणाम उसे बहुत ही कड़े शब्दों में गुजरना उसका अपशरण के ऊपर गुजारना पड़ा। जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप ली, जिसके कारण मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने लगा। अब देखिए अप्रैल में 1 अमेरिकी डॉलर की 24,000 मार्क के बराबर थी, यानी $1 $24,000 मतलब होता था $1 बराबर। लेकिन उसकी स्थिति देखिए दिनों दिन किस प्रकार से गिरती गई। जुलाई में हुआ 353,000 मार्क यानी $1 की तुलना में बता रहा। फिर 1 अगस्त में हुआ वही $46,21,000 और दिसंबर में $9,88,60,000 यानी $1 की कीमत यहाँ पर इतना मार्क हो गया, 9 करोड़ की लमसम 10 करोड़ के आसपास के करीब हो गया। इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। इस स्थिति को अति मुद्रा स्फीति का नाम दिया गया। यानी जर्मनी में ये स्थिति आ गई कि वहां पर एक बैलगाड़ी के बराबर मार्क यानी पैसे ले जाया जाता था और तब पावरोटी जैसी सामान्य चीजें खरीद के लाई जाती थी। इसी को अति मुद्रा स्फीति कहा जाता है। इस उदाहरण को अपनी बुक पर जरूर लिखिएगा जब आपको मुद्रा स्फीति के बारे में पूछेगा। अब डॉब्स योजना अमेरिका अब इस स्थितियों से यानी जर्मनी को इन सब स्थितियों से निकलने के लिए अमेरिका ने एक डॉब्स योजना बनाई। अमेरिका द्वारा इस डॉब्स योजना को बनाया गया आर्थिक और वो डॉब्स योजना था आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया। यानी फ्रांस के द्वारा जब हर्जानों की शर्तों को पूरा नहीं किया गया तो वहां पर उसने बड़े पैमाने पर उसने रूर के विशाल कोयला भंडार अपने अपने कब्जे में ले लिया था। अब अमेरिका ने फिर से उस पर किया कि डॉब्स योजना के जरिए उसने फिर से हर्जाने का जो नियम कायदे कानून थे शर्तें थी उसे फिर से लागू किया। इसके क्वेश्चन आंसर इस प्रकार से, राजनीतिक परिवर्तन को जर्मनी के आधार पर स्पष्ट कीजिए या जर्मनी में राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए, इस पैराग्राफ के आधार पर स्पष्ट कीजिएगा। अति मुद्रा स्फीति क्या है ये भी मैंने आपको बताया था तो वो भी लिख लीजिएगा और उदाहरण भी उसमें डाल दीजिएगा। जर्मनी के द्वारा कर्ज और हर्जाने न चुकाए जाने पर क्या हुआ, क्या किया गया था फ्रांस के द्वारा, फिर डॉब्स योजना, देखिए चौथा क्वेश्चन दे दीजिए, डॉब्स योजना किसके द्वारा अमल में लाई गई, डॉब्स योजना एग्जैक्ट किसके द्वारा योजना लाई गई थी अमेरिकी सरकार के द्वारा, वो क्या था, थोड़ा सा एक शब्द में मैंने लिखा है तो उसे अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। इसमें आपको मंदी के साल में पढ़ा रही हूँ, मंदी के साल यानी जर्मनी में मंदी किस प्रकार से कैसी हुई ये इसमें बताया जा रहा है। सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालिक कर्जों पर आश्रित था। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको डॉब्स योजना का बताया था, वही डॉब्स योजना का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए। यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। 1929 से 1932 तक के अगले तीन साल
सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार से पैसा खींचते जा रहे थे। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में आए इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया गया। यानी जो सरकार, जो अमेरिकी सरकार जर्मनी को पैसे दे रही थी, वही महामंदी का शिकार हो गई, जिसकी वजह से जर्मनी को जो कर्ज दिया जा रहा था वो पूरी तरह से ठप्प हो गया। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची थी। यानी जर्मनी में जो बेरोजगारों की संख्या थी उसका आंकड़ा 60 लाख पार कर चुका था। यानी अब दिनों दिन जर्मनी की आर्थिक व्यवस्था तेजी से गिरती चली जा रही थी। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। यानी इस प्रकार की स्थिति आ गई। भूखमरी की स्थिति जहाँ पैदा होती है वहां पर ये स्थिति आनी ही है। बेरोजगार नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते हैं, रुपड़ों पर झुंड लगाए रहते, या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते। वह जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहा था, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होते जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। यानी कहने का तात्पर्य ये था कि जब हमारी सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं होती हैं, तो हम लोग आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर जरूर आकृष्ट होते हैं। यही जर्मनी का भी हाल हो रहा था। आर्थिक संकट ने लोगों को गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया। जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खास तौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारी ने बचत की सिकुड़ती जा रही थी। कारोबार ठप्प हो जाने से छोटे मोटे व्यवसाय स्वरोजगार में लगे लोग और खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी। समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा। उन्हें डर था कि अगर यही ठहरा रहा तो वे भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार भी न रह जाए। स्थिति गिरने की वजह से ये सोचना सबके लिए लाजमी सी बात थी। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारों की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी। बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों में बेहिसाब गिरावट की वजह से परेशान था। युवाओं का अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि दिनों दिन जर्मनी की स्थिति औन्नति की ओर जा रही थी। राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बन सकता था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित था। इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से थी, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा और उनकी औसत अवधि 239 दिन से ज्यादा नहीं थी। इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। यानी संक्षेप में ये कहा जाए कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति से उबारने का जो उनके ऊपर संकट मंडरा था, उसके उबारने का कोई भी रास्ता जर्मनी के पास फिलहाल नहीं था। इसके क्वेश्चन आंसर बस एक ही कर लीजिएगा कि मंदी के बारे में, जर्मनी के मंदी के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। धन्यवाद।